दोस्तों, आपने अपने जीवन में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं हूं ना बताने के लिए। असल में ये दोनों ही अलग अलग प्रकार की दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, जिसके आने से भाई साहब इंसान उठता नहीं, उठ ही जाता है, मतलब भगवान को ही प्यारा हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों कैसे अलग अलग हैं। लोग दिल का दौरा पड़ना और कार्डियक अरेस्ट को एक ही बीमारी मानते हैं, जबकि यह दोनों बीमारी अलग अलग है। दरअसल हार्ट अटैक होने की स्थिति में हार्ट के मांसपेशियों में ब्लड ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता या ब्लड सप्लाई ही रुक जाती है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक भाई साहब। वहीं जब हार्ट इलेक्ट्रिक कारणों की वजह से पंप करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। आई बात समझ लें। अब इनके होने का कारण क्या है? सीधा सा जवाब है भाई साहब, तनाव। अपने जीवन को तनाव मुक्त रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खूब तेल कर खाइए। यही मूल मंत्र है दिल को स्वस्थ बना के रखने का। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना ना भूले भाई साहब। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।